हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे बात करना चाहूँगा फार्मा सेक्टर की एक ऐसे मिड कैप स्टॉक के बारे में जिसमें यहाँ पे बात करें पिछले कुछ समय में भयंकर पिटाई देखने को मिल रही है, परंतु यहाँ पे अभी बढ़िया खबर निकल करके आ रही है जिसके चलते आज तेजी का तूफान इसमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है शेयर आपको एकदम बॉटम पे यहाँ पे मिल रहा है, और अगर आप यहाँ पे इसमें लॉन्ग पोजिशन बनाते हो तो डेफिनेटली यहाँ से आपके पैसे दो गुना होना शॉर्ट टर्म में ही तय है। स्ट्राइड फार्मा के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा जिसमें आज यहाँ पे धमाकेदार COVID-19 की वैक्सीन को लेकर के दवाई को लेकर के तूफानी खबर आई है जिसके चलते इसमें आज तूफानी तेजी 10% की दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे बढ़िया मौका है बाय करने का क्योंकि आज ही फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी, तो वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो बाद में लाइक का बटन भी दबाइए। साथ ही साथ बताना चाहूंगा फ्री वाली टेलीग्राम चैनल का भाग नहीं बने हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को फ्री वाली जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी बात करना चाहूंगा कि स्ट्राइड फार्मा की आज ही क्लोजिंग किस तरह गिरी। क्लोजिंग एकदम शानदार देखने को मिली है, 340 रुपए के आसपास क्लोजिंग, 9% की तेजी यहां पे दिखाई दी है, परंतु पिछले कुछ समय में बात करें तो इसकी बड़ी धुलाई होती हुई दिखाई दे रही थी। या आप एक वीक की बात करें तो 13% के पॉजिटिव रिटर्न, एक महीने की बात करें तो 11% के, पिछले 6 महीने में 22% से ज्यादा डाउन था, 2022 की बात करें तो 25% से ज्यादा डाउन, और 1 साल की टाइम रिटर्न तो बाबू जी 55% के निगेटिव रिटर्न है। तो फिर ज्यादा यहाँ पे पिटाई इस मिड कैप शेयर की देखने को मिल रही है, परंतु अभी COVID-19 की दवाइयों के ऊपर बढ़िया खबर आ रही है जिसके चलते शेयर में तेजी का माहौल बना हुआ है, और मुझे लगता है शेयर में तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए क्योंकि एकदम बॉटम से ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्राइड फार्मा जंप ऑन पॉजिटिव आउटकम ऑफ COVID-19 वैक्सीन ट्रायल, मतलब कि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फेज 2 ट्रायल और फेज 3 ट्रायल का जो सेकंड जनरेशन COVID-19 की वैक्सीन ये जो बना रही है उसका आज रिजल्ट देखने को मिला जिसमें यहाँ पे 1600 से ज्यादा हेल्थी वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और इसकी जो यहाँ पे आउटपुट निकल करके आ रही है वो 91% की एक्यूरेसी के साथ आती हुई दिखाई दे रही है। डेफिनेटली अपने अपने बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़िया सिचुएशन होती हुई स्ट्राइड फार्मा में दिखाई दे रही है जिसके चलते आज आपको 10% की तेजी दिखाई दी। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउसेस भी अभी स्ट्राइड फार्मा में काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, जैसे कि जियोजित जो कि हमारे डोमेस्टिक ब्रोकर हैं उनकी तरफ से 355 का टारगेट यहाँ पे स्ट्राइड फार्मा में सजेस्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है ये लेवल तो कुछ भी नहीं, इसके ऊपर काफी हायर लेवल आपको यहाँ पे स्ट्राइड फार्मा में दिखाई दे सकते हैं, जो कि मैं आपको चार्ट पे लेकर जाकर बनाना चाहूंगा। इससे पहले आज की कारोबार की सिचुएशन डेफिनेटली बताना चाहूंगा। तो एनएसई की वेबसाइट पे स्ट्राइड फार्मा साइंस लिमिटेड यहाँ पे आपके सामने है, 340 पे क्लोजिंग, 28 रुपए ऊपर, 9% की तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग देखिए तो 313, ओपन 313, मतलब कि फ्लैट ओपनिंग हुई है, उसके बाद 350 के आसपास का हाई, लो 312, और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 342.60 रुपये। जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो आपके सामने है, 56,26,000 शेयर की ट्रेडिंग, यहाँ पे 5,40,000 शेयर की डिलीवरी, हालांकि परसेंटेज ऑफ डिलीवरी बिलो 10% है, जी हाँ 10% से कम है, 9.5% के आसपास की, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यहाँ पे जो इंकरेजिंग बात नहीं है कि डिलीवरी परसेंटेज अभी भी यहाँ पे उठती हुई नहीं दिखाई दे रही है, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि डिलीवरी परसेंटेज को ना देखें, यहाँ पे चार्ट पे जो सिग्नल बन रहे हैं उसको आप डेफिनेटली वॉच आउट करिए, और यहाँ पे बहुत बढ़िया सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों स्ट्राइड फार्मा के चार्ट पे लेके आए, और यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे बात करना चाहूंगा, उसके बाद छोटी टाइम फ्रेम पे भी बात करेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम का पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए कि बात करूँ मैं यहाँ पे 2013-14 की, जिसमें स्ट्राइड फार्मा में बड़ी तेजी थी, और देखते देखते 1300-1400 का हाई बनाया, और उसके बाद बड़ी गिरावट आती है, और ये जो लेवल है 265 के आसपास का वहाँ पे संभलने की कोशिश करी, मतलब कि 1400 से गिर कर 265 आता है, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज, और इसके बाद फिर से तेजी आती, और यहां पे बात करें 2021 के आसपास की तो इसमें 1000 का हाई बनता है, और इसके बाद बाबूजी जो गिरावट आती है देखते ही देखते फिर से वही लेवल के आसपास आने की कोशिश करता है जो कि 265 के आसपास थे, और यहां पे इसने रिसेंटली बात करें 263 का लो लगाया, उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। अभी बात करें 340 के आसपास तो डेफिनेटली पहुंच चुका है। तो अभी छोटे टाइम फ्रेम पे बात करना चाहूंगा कि अभी छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरह का पिक्चर है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेकर के आए, और यहां भी देखिए कि 263 का लो बनाने के बाद बढ़िया बाउंस बैक, और एक 340 का जोन ऐसा था जो कि पहले सपोर्ट था और काफी बार रेजिस्टेंस था, और आज बात करें तो 342 के आसपास क्लोजिंग हुई, तो 340 का जोन है वो टूट गया है। मुझे लगता है 375
385 का लेवल तो अभी खुल ही गया है, तो यहाँ तक तो डेफिनेटली मूव ऑन आते हैं। और वंस यहाँ पे जो इस सिचुएशन ब्रेकआउट होती है, मतलब कि लेवल का ब्रेकआउट आता है, तो 465 तक की मूव, 450 से 465 तक की मूव इसमें डेफिनेटली आपको दिखाई दे सकती है, और इससे भी ज़्यादा हायर लेवल मुझे लगता है इसमें डेफिनेटली दिखाई देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिटाई इस शेयर की हो चुकी है। मिड कैप शेयरों में जिस तरह का करेक्शन आया है, इसमें 70 से 75% का करेक्शन आपको दिखाई दिया है। वॉल्यूम में भी यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई दे रही है आज की जो तेजी है उसके पीछे, और यहाँ पे आरएसए का लेवल भी 59 के आसपास का स्ट्रॉन्ग आपको नजर आया था जब आज ये तेजी दिखा रहा था। तो डेफिनेटली सिचुएशन बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है आपको अगर शो या मिड टर्म लेना चाहो तो 295 के एसएल के साथ बने रहना चाहिए, और अगर यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म वेरी शॉर्ट टर्म लेना चाहो तो 335 जी या 335 330 के आसपास का एसएल लेकर के इसमें शॉर्ट टर्म में भी पोजिशन बना सकते हो। 375 385 तक के टारगेट के लिए वेरी शॉर्ट टर्म में, और यहाँ पे मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो 450, उसके बाद मुझे लगता है 750 तक भी मूव यहाँ पे दिखाई दे सकती है। इसके लिए टाइम लगेगा, 1 से 1.5 साल का समय देना पड़ेगा, परंतु इसमें डेफिनेटली आपके पैसे बनेंगे ही बनेंगे। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि स्ट्राइड फार्मा को आप स्टडी करिए, और उसके बाद ही यहाँ पे किसी भी तरह की कोई पोजिशन बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पर नए हो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।